हुजूर ने फरमाया है अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी महफिल में जाना चाहें तो उन्हें इजाजत न मिले, जो कहीं अगर रिश्ता करना चाहे कोई उनसे रिश्ता करने को तैयार ना, कहीं कोई सिफारिश करना चाहे तो उनकी कोई बात ही ना सुने। लेकिन अल्लाह के यहां उनका वो मकाम है कि अगर भूले से भी किसी बात पर कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह उनकी कसम की लाज रखता है। यह है फर्क, यह जान लीजिए अच्छी तरह। इस बात का मान लेना आसान, इस पर सुभान अल्लाह कहना आसान, लेकिन इसके मुताबिक आपके अपने जहन का बदल जाना बहुत मुश्किल। इसलिए कि हम मुतासिर होते हैं अपने माहौल से। वो बड़ा महल है, देखकर एक दफा झुझुरी आती है, वो बड़ी सी 20 फुट लंबी कार सन्नाटे के साथ आपके पास से गुजर गई, एक दफा आसाब के अंदर इर्तियाश होता है, महसूस होता है बड़े ये नसीबे वाले लोग हैं, बड़े खुश नसीब, बड़े कामयाब। हालांकि कुछ मालूम नहीं कि यही सबसे बड़ी बदनसीबी हो सकता है कि यही सबसे बड़ी नाकामी हो। अगर जहनों में ये बात बैठ जाए कामयाबी किस शय से, यही वजह देखिए कुरान मजीद में बारह आप देखिए उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये है लोग कामयाब होने वाले। आज ही आपने नमाज में वो आयात सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफअलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो रुकू करो, सजदा करो, अपने रब की परस्तिश और बंदगी करो और अच्छे काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो कामयाबी किन चीजों से है, यह है सबसे बड़ा सबक। यह हमारे दिल में अगर बात बैठ जाए, ठुक जाए, तो जिंदगी बदल जाएगी, सुबह शाम बदल जाएंगे, नक्शे बदल जाएंगे, भाग दौड़ का रंग बदल जाएगा, वैल्यू स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आज वो एक चीज